तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये एक फीडबैक या फिर एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। आज जो दोस्तों हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी हैं जो दिल्ली से हमारे स्टूडेंट हैं। आज जो है इनका जो फ़िलहाल कोर्स कर रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट में एडवांस हार्डवेयर का, तो वो जो है कम्प्लीट हो गया है दोस्तों। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे इंस्टीट्यूट में, क्या इनकी जर्नी रही, आगे इनको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो सारी जो है हम बात करेंगे फ़िलहाल। तो आज जो है राहुल शर्मा जी का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। ये हमारे इंस्टीट्यूट से जो है एडवांस हार्डवेयर, एडवांस EMMC प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर का जो इन्होंने कोर्स किया है, जिसमें इनका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। डबल डेकर आपका EMMC UFS प्रोग्रामिंग हार्डवेयर, जितना भी ऑलमोस्ट मोबाइल का काम होता है वो सारा जो हमने कम्प्लीट इनको करा दिया है। तो चलिए थोड़ा सा जो है इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं हम राहुल शर्मा जी से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले राहुल शर्मा जी आप बताइए थोड़ा सा कुछ अपने बारे में, माइक ले लीजिए। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा दिल्ली से। मेरे को 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में। मेरा होलसेल का बिजनेस था करोल बाग में। फिर कोरोना के कारण मैंने सर का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा था। उसके बाद मैंने दो करोल बाग में ही, फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन में देखता हूँ कुछ, जो एक दो इंस्टीट्यूट में गया जो काफ़ी जिनका नेम काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ पर एक तो कॉस्ट और क्या कहते हैं फैकल्टी जो है इतना नहीं स्मार्ट एडवांस था जो थ्योरेटिकल मैंने सर के यहाँ करा था। सो थोड़ा मैंने वहाँ पे ट्रायल क्लासेस भी लिया लेकिन वो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो फिर मैंने सर से अपना पूछा कि सर मैं ऑफलाइन करना चाहता हूँ आपके पास, सो क्या प्रोसेस होगा। तो सर ने बोला कोई नहीं, आप एक बार आएँ और उसके बाद आप पहले ऑब्ज़र्व करें, देखें हमारी क्लासेस देखें, देन आप ज्वाइन करना है आपके ऊपर है। सो मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे को आज मेरा 2.5 मंथ हो गया है और मेरा ऑलमोस्ट डबल डेकर EMC सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारा मेरा थ्योरेटिकल और हार्डवेयर सारा कंप्लीट है। और जो कॉस्ट का डिफरेंस और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का डिफरेंस काफ़ी फ़र्क है दिल्ली और हमारे यहाँ पर सर के पास। तो राहुल जी, जैसा मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आप तो दिल्ली के करोल बाग से हैं और करोल बाग जो है एक बहुत फेमस जगह है मोबाइल रिपेयरिंग की और मोबाइल फील्ड की जो है एक बहुत ही फेमस जगह है करोल बाग, इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे बहुत हैं। तो ऐसा आपको ऐसा क्या लगा कि जो करोल बाग से जो है आप सहारनपुर आए इतना छोड़ करके, वहाँ पे तो सभी तरह की जो है फैसिलिटी है, तो फिर आपको ऐसा क्या लगा? सर मेन तो थ्योरेटिकल इतना नहीं क्लियर था जितना आपने मेरे को कराया, और सेकंड सर वहाँ पर तो कमर्शियलिज्म ज़्यादा है, मतलब एक अमाउंट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है कोर्स का, और उसके बाद भी वो टाइम पीरियड कम है सर, और इतना अटेंशन नहीं हो पाया जितना मैं आपके पास आके मैंने देखा सर। सो वो काफ़ी चीज़ें हैं सर, जो सबसे मेजर तो सर आपका क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ मनी हो गया सर। दूसरा सर जो अटेंशन जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ करा है आप थ्रू, आपने जो हमें बोर्ड अवेलेबल कराए हैं प्रैक्टिकल के, प्लस ऑनलाइन आपने हमें वो जो सारी क्लासेस दी हैं, सॉर्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं सारी, वो सर वहाँ पर नहीं चीज़ी चीज़ें। सो मेरे को लगा कि बेटर है यही मैं आगे करता हूँ सर। तो थोड़ा सा और इसमें राहुल जी आप ये भी बताइए, जैसे आपकी क्लासेस चलती थी तो क्लास किस तरीके की रहती, क्लास कितने टाइम इसमें प्रैक्टिकल था और कितने टाइम जो है आपकी थ्योरेटिकल क्लास थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लाइव फ़ोन पे कितनी क्लासेस हुई आपकी, सबसे बड़ी बात आप ये बताइए। क्योंकि जब आप मार्केट में बैठेंगे तो आपके पास लाइव फ़ोन रिपेयर करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे लाइव फ़ोन हमने कितने आपसे रिपेयर कराए और कितने पे जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई, ये भी आप बताइएगा। सर मेरी स्टार्टिंग जो हुई थ्योरेटिकल से, आपने पहले रिपीट मेरा जो मैंने करा हुआ था उसका रिपीट करवाया, फिर सर बेसिक क्लियर हुआ हम लोगों का इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, फिर हम हार्डवेयर पे आ गए, फिर EMC हमने क्लियर करा है, उसके बाद डे बाय डे हमारा 11 to evening 8 o'clock तक हमारा सर ये ऑनलाइन क्लासेस और हमारा प्रैक्टिकल ही होता था सर EMC के ऊपर, एंड आपका क्या कहते हैं डबल टैप कर के ऊपर सर। सो वो चीज़ें सर प्लस पॉइंट रहा जो इतनी जल्दी मैं रिकवर कर गया सारी चीज़ें, कि हमारा प्रैक्टिकल और हार्डवेयर थ्योरेटिकल सारी चीज़ें आप मतलब आप स्टूडेंट के थ्रू ही होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप आगे आपने कराया और वो नहीं है, वो सारा जितना भी प्रॉब्लम डायग्नोज होती हैं वो थ्रू स्टूडेंट होती हैं।
सो ये सबसे प्लस पॉइंट रहा जो मेरा जल्दी में इसको रिकवर कर गया था। थैंक यू सर। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा राहुल जी आपसे और रहेगा। अब जैसे आपका कोर्स जो कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट आप सभी काम कर लेते हैं, EMMC प्रोग्रामिंग डबल डेकर सब आप कर लेते हैं, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे कि आप तो आप बता रहे 12 साल से इस फील्ड में हैं, तो आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? सर आगे का मेरा प्लानिंग मैं अपना ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिजनेस। सो अब प्लस पॉइंट ये है सर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेरा एक बैकबोन हो गया, प्लस एसेसरीज का काम तो ऐड ऑन मैं करूँगा ही, लेकिन ये एक फियर फैक्टर ख़त्म हो गया इन दो चीज़ों के थ्रू कि अब मैं किसी भी जगह बैठ के अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ सर। सो एक मेरी रिक्वेस्ट टू भैया ऑल द स्टूडेंट कि एक बार आप ज़रूर आके देख लें, करना नहीं करना आपके ऊपर है, और कि क्या दिल्ली में और यहाँ पर क्या फ़र्क है, और पैसों का भी डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, काम का भी डिफरेंस आपको पता लग जाएगा जब आप सर के पास आएंगे। सो वहाँ पर तो बिल्कुल कमर्शियल ही हो रही है सारी चीज़ें, बाकी आप एक बार आके जरूर प्लीज़ देखें और उसके बाद डिसाइड करें क्या करना है। चलिए थैंक यू सो मच राहुल जी अपना जो है एक वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो मैं जल्दी जो है कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें जो है मैं किसी और टॉपिक को जो है आपके लिए कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।